हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में, जो कि 50,000 से नीचे या फिर 50,000 के करीब करीब में आते हैं। तो ये लैपटॉप बेसिकली ऑफिस वर्क के लिए, गेमिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए है। तो गेमिंग और वीडियो एडिटिंग आप बहुत ही हाई एंड में नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बजट का भी ख्याल रखना है। तो 50,000 कोई छोटी रकम नहीं है। तो 50,000 के बजट में जो लैपटॉप है, उसमें हमने एक क्राइटेरिया बनाया है। सभी लैपटॉप ये क्राइटेरिया की कंडीशन को फॉलो करने चाहिए। तो क्राइटेरिया कुछ इस मुताबिक है। लैपटॉप में 15.6 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले होनी चाहिए। इसके बाद लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए 2GB का मिनिमम। इसके बाद लैपटॉप में इंटेल या फिर AMD का i5 प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि 8 या फिर 10 जनरेशन का हो। इसके बाद लैपटॉप में 8GB की रैम और 1TB की हार्ड डिस्क या फिर SSD 512GB की होनी चाहिए। तो इस सभी क्राइटेरिया की कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने लिस्ट बनाई है टॉप 5 लैपटॉप की। लिस्ट में फिफ्थ नंबर पे आते हैं, तो फिफ्थ नंबर पे आता है आसुस का वीवो बुक 15। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आपको NVIDIA GeForce MX110 का 2GB का ग्राफिक कार्ड, इंटेल का कोर i5 8 जेन का 8250U का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.6 से लेके 3.4 GHz तक की। इसके साथ यहाँ पर आपको 8GB का DDR4 RAM और 1TB का हार्ड डिस्क देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें, तो यहाँ पर इसकी प्राइस है 46,000। लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ नंबर पे आता है आसुस वीवोबुक X509। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, इसके साथ NVIDIA GeForce MX230 का 2GB का ग्राफिक कार्ड, इंटेल का कोर i5 8 जेन 8265U का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.6 से लेकर 3.9 GHz। इसके बाद यहां पर आपको 8GB का DDR4 RAM और 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो इसकी प्राइस है 49,919 रुपीस। तो ये सभी लैपटॉप के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो यहाँ पर जाके आप लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर पे आता है एसर का एस्पिरिन 5। तो इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, साथ ही साथ NVIDIA का GeForce MX250 का 2GB का ग्राफिक कार्ड, जो पिछले वाले से बेहतर है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटेल का कोर i5 8 जेन का प्रोसेसर, जो कि है 8265U, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.6 से लेकर 3.9 GHz तक की। ये लैपटॉप में आपको 8GB का DDR4 RAM और 512GB का SSD देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 4 सेल की बैटरी और ग्राफिक कार्ड में थोड़ा अपग्रेडेशन के बाद इसकी प्राइस है 52,919 रुपीस, लेकिन ऑफर्स में ये लैपटॉप आपको 50,000 से 51,000 के बीच में मिल जाएगा। तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, तो सेकंड नंबर पे आता है HP का पवेलियन 15। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, साथ ही साथ NVIDIA का GeForce GTX 1050 का 3GB का ग्राफिक कार्ड और AMD Ryzen 5 3550H का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.1 से लेकर 3.7 GHz। और इसमें आपको 8GB का DDR4 RAM, इसके साथ 1TB का हार्ड डिस्क और 128GB का SSD भी देखने को मिल जाता है। तो प्राइसिंग की बात करें, तो इस लैपटॉप की प्राइस है 51,919 रुपीस। तो यहाँ पर आपको AMD के प्रोसेसर की वजह से ये लैपटॉप थोड़ा सस्ता है, ठीक है। तो अब लिस्ट में आगे बढ़ते हुए फर्स्ट लैपटॉप की ओर जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे है आसुस का वीवोबुक गेमिंग लैपटॉप। तो स्पेसिफिकेशंस की बात करें, तो यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले, साथ ही साथ NVIDIA का GeForce GTX 1650 का 4GB का ग्राफिक कार्ड,
साथ ही साथ इंटेल का कोर i5 8th जेन 8300H का प्रोसेसर जिसकी क्लॉक स्पीड है 2.3 से लेकर 4 GHz तक की। साथ ही साथ यहां पर आपको 8GB का रैम, 512GB का SSD और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यह लैपटॉप आपको 51,919 रुपीस में अवेलेबल हो जाएगा। सभी लैपटॉप के बाइंग लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां पर जाके आप लैपटॉप को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।